हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स फाइनली यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का एग्जाम संपन्न हो चुका है और मुझे आपको यह बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि आप लोगों के लिए हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए गए वो 120 प्रैक्टिस सेट जो कि स्पेशली यू पी के लिए प्रोवाइड किया गया था उन सभी प्रैक्टिस सेट में से ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि जिसने भी हमारे सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के बाद जो है मॉक टेस्ट को दिया होगा तो उनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा ठीक है तो चलिए उन सभी क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के जो है आंसर का हम एनालिसिस करेंगे हम लोग पूरे वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं ठीक है ये जो है हमारे पास जो सेट है या सेट नंबर सी है तो जिसका भी सेट नंबर सी है वो वन बाई वन हमारे साथ मिलान करता है चले और जिसका अदर सेट है तो वो जो है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं तो वो क्वेश्चन को देख के जो है आंसर का मिलान दे जिससे ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन जो है आंसर जो है सही है ठीक है तो चलिए देखते हैं आज है हमारा पहला क्वेश्चन आज हमारा पहला क्वेश्चन है सामान्यकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की या किसने प्रस्तुत की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जी एच मूड ने क्वेश्चन में पूछा गया पहला प्रश्न था सामान्यकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जी एच मीड ने सेकेंड क्वेश्चन है सामाजिकरण के के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त की गई या किसके द्वारा प्रयुक्त की गई क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेट के द्वारा थर्ड क्वेश्चन है किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है किसने कहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिफाल्ड ने किसने ब्रिफाल्ड ने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन आज हमारा फिफ्थ नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है इनमें से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मृत्यु मृत्यु जो, जो है यह पुरुषार्थ नहीं है मृत्यु की जगह पे मोक्ष होता तो ये पुरुषार्थ हो जाता ठीक है सिक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी तो किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए गिडिंग्स ने सेवन नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था किसने कहा यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार कहने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात विचारों की असमान समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बलजीत सिंह अगला प्रश्न है भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था कौन था, था इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काका कालेलकर आज हमारा नंबर का प्रश्न था किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं तो समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं यह किसने कहा है तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए एल क्रोबर ने दस नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है तो किसमें मिलता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद में ग्यारह नंबर का प्रश्न है सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं किसने कहा है ग्यारह नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आग एवं निपकॉफ ने बारह नंबर का प्रश्न है निम्न के सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृतियों को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समाजीकरण तेरह नंबर का प्रश्न है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकाइवर ने चौदह नंबर का प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम एन श्रीनिवास ने चौदह का क्वेश्चन चौदह का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि के एम कपाड़िया का जो हिंदू मैरिज नामक पुस्तक नहीं था इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोलह नंबर का प्रश्न है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सोलह का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पी एच प्रभु अगला प्रश्न है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए आर देसाई अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था या किस विश्वविद्यालय में क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर यहीं पे पूछा होता कि भारत में जो है आ, भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का जो अध्ययन था वह कहाँ पे प्रारंभ होता है बंबई विश्वविद्यालय में हुआ था पर उत्तर प्रदेश में पूछा है इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ विश्वविद्यालय अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनजाति समूह अगला प्रश्न है किसने कहा कि धर्म प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं किसने कहा है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपाडिया ने अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास और प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं में से जो है जोड़ा है 21 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्स बेबर ने अगला प्रश्न है अगस्त कामटे का त्रिअस्त्री नियम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का एक स्वरूप है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रैखिक अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संकुची संकुचिनीकरण तथा सार्वभौमीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है तो किसने किया है क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकिम मैरियट ने अगला प्रश्न है परिहास संबंध है पर्याय संबंध क्या है तीस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीजा तथा साली के मध्य होते हैं यह संबंध जो होता है यह जीजा तथा साली के मध्य होता है अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजसाज की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक विरासत अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है तो निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी अगला प्रश्न है यांत्रिक एवं सवय एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज के अंतर किसने किया है तो किसने किया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इमाइल दुर्खीम किस ने किसने इमाइल दुर्खीम ने ठीक है अगला प्रश्न है हमारा क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है तो क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असुर विवाह अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया तो किसने विकसित किया क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी मेलोनो ने किसने बी मैलोनो ने ठीक है अगला प्रश्न है हमारा सैक्रेड एवं प्रोफाइन यानी कि पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी तो पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा किसने दी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुर्खीम ने किसने दुर्खीम ने अगला प्रश्न है पुस्तक द सिटी के लेखक कौन है पुस्तक द सिटी के लेखक हैं जो है मैक्स वेबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न है सूची वन को सूची दो के साथ मिलान करिए तो पहले में संकल्पना और दूसरे में समाजशास्त्री का नाम दिया गया हमें इनका आपस में मिलान करना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले का दो से दूसरे बी का थ्री से सी का वन से और डी का फोर से तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न है सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शारीरिक समीप्य अगला प्रश्न है भारतीय कृषक वर्ग की वर्ग का वर्गीकरण मालिक किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है या किसने किया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डैनियल थार्नर ने अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में से जी एस गुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है तो कौन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कास्ट क्लास एंड आकुपेशन ठीक है पैंतीस पैंतीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न है आणवी परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की थी या किसने विकसित की है तो छत्तीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिमर मैन ने अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सैंतीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुर्खीम अगला प्रश्न है संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अड़तीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का प्रकारों का वर्णन किया तो उनतालीस का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्खीम ने चालीस नंबर का, का प्रश्न है लेवी रेड विवाह है लेवी रेड विवाह कैसा विवाह है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिवंगत पद के भाई के साथ विवाह ठीक है दिवंगत पथ के भाई के साथ विवाह अगला प्रश्न है निम्न निम्नांकित में पाश्चातिकरण की अवधारणा किसने, किसने दी निम्नाकित में पाश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम एन श्रीनिवास ने अगला प्रश्न है जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर विचार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहते हैं तब इस प्रणाली को क्या कहते हैं तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परविच्छा अगला प्रश्न है मयडाक के अनुसार कितनी संबंधित तृतीय नातेदारी के श्रेणी में आते हैं कितने आते हैं तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक सौ इक्यावन पैंतालीस नंबर का प्रश्न है सामाजिक अस्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेवर का उपागम निम्नलिखित में से है कौन सा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पैंतालीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रियामी क्या हो जाएगा त्रियामी पैंतालीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है किसने परिवार के निम्नलिखित दो प्रकार सुझाए हैं किसने सुझाए हैं छियालीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डब्ल्यू एल एच वार्नर ने अगला प्रश्न है किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगौड़ा समाज है सैतालीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंथोनी गिडिंग्स ने अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राधा कंवल मुखर्जी द्वारा पुस्तक दी चुनिए मतलब राधा कंवल मुखर्जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक हमें चुनना है अड़तालीस तो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज अगला प्रश्न है समाज स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है कौन है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जी सीमिल समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो जी समिल है उनचास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न है निम्न से किसे द्विज कहा जाता है पचास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को अगला प्रश्न है श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है किसका नाम जुड़ा है इक्यावन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सदरलैंड अगला प्रश्न है जात एक बंद वर्ग है इस कथन से कौन संबंधित है बावन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मजूमदार अगला प्रश्न है सामाजिक अस्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया किसने प्रतिपादित किया तिरपन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि के डेविस ने चौवन नंबर का प्रश्न है सामुदायिक भाव के तीन तत्व हम की भावना भूमिका पालन का अभाव और थर्ड निर् निर्भरता का भाव का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है तो चौवन का राइट आंसर क्या होगा तो चौवन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैकाइबर एवं पेज ने अगला प्रश्न है किसने समाजशास्त्री सिद्धांत को इन पांच श्रेणियों में विभाजित किया प्रत्यक्षवादी सवयवाद संघर्षवाद संघर्ष सिद्धांत स्वरूपात्मक सिद्धांत सामाजिक व्यवहारवाद और समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो, क्या होगा पचपन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पी एच कोहल ने ठीक है अगला प्रश्न है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ किस वर्ष पारित हुआ छप्पन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उन्नीस में अगला प्रश्न है सोची वन को सूची दो के साथ मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए तो सत्तावन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सत्तावन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए का थ्री से बी का टू से सी का फोर से और डी का वन का वन से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्तावन का बी सही हो जाएगा अगला प्रश्न है संस्कृत को इंद्रपर विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है किसने वर्गीकृत किया गया है तो अट्ठावन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोरो ने उनसठ नंबर का प्रश्न है यू फंक्शन और डिफंक्शन की अवधारणा को जो है किसने प्रस्तुत किया है किसने प्रस्तुत किया है तो नंबर का का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि बी अगला प्रश्न है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक के लेखक कौन है तो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि पीटर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लेखक कौन है तो इकसठ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि योगेंद्र सिंह अगला प्रश्न है किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं तथा जो अन्य विज्ञानों के से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो या किसने कहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगस्त ने बासठ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगस्त ने अगला प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है यह कथन किसका है तो तिरसठ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैकाबर एवं पेज का। अगला प्रश्न है पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है तो पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है तीस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाल एह एहर लिची अगला प्रश्न है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्ट कोट का विवाह नहीं कहा गया है कौन सा नहीं कहा गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंधर्व विवाह अगला प्रश्न है समिति से सदस्यता और संस्था से सेवा से के प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है किसने कहा है तो छाछ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैकाइवर एवं पेज ने सड़सठ नंबर का प्रश्न है अपनी किस पुस्तक में चार्ज कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया सड़सठ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अड़सठ नंबर का प्रश्न है सामाजिक स्थितीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है तो अड़सठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो अड़सठ नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह एक सार्वभौमिक विशेषता है अड़सठ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न है सूची वन को सूची वन में दी गई मदों को सूची दो में ही में दी गई मदों से मिलान कीजिए तो क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा तो सिक्सटी नाइन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए का फोर से बी का थ्री से सी का वन से और डी का टू से तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आज हमारा सत्तर नंबर का प्रश्न है किसने कहा है कि सोशियम एक लैटिन शब्द और लोगाज एक यूनानी शब्द है इस प्रकार हमारे विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है तो किसने कहा है तो सत्तर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉबर्ट वेरिस्टेड इकहत्तर नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण नहीं है तो इकहत्तर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इकहत्तर का राइट आंसर क्या होगा तो इकहत्तर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विवाह अगला प्रश्न है समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलंगिक करता है समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं तो ये परिभाषा किसने दिया था तो सेवेंटी थ्री का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेविस ने अगला प्रश्न है अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी तो सेवेंटी फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आग बर्न ने अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है तो सेवनटी फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सामाजिक भावनाओं का अनुसरण करना सेवनटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है तो सेवनटी सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समिति में सेवेंटी सेवन नंबर का प्रश्न है असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया तो असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया तो सेवेंटी सेवन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा सेवनटी एट नंबर का प्रश्न है समाज साध सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यकृत तार्किक के साथ साथ आनुभिविक तथा एक सामान्य विज्ञान है किसने कहा है सेवेंटी एट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट बीर स्टीड ने अगला प्रश्न है जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जात कहते हैं यह परिभाषा किसने दिया है तो सेवेंटी नाइन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कूले ने अगला प्रश्न है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है या किसने इस पुस्तक को लिखा है तो अस्सी नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्खीम ने इक्यासी नंबर का प्रश्न है जी पी के अनुसार द्वितीय नातेदारी की श्रेणी के आ, की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदारी आते हैं तो इक्यासी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तैंतीस अगला प्रश्न है समाज के संस्थापक या पिता कौन है तो कौन है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कामटे तिरासी नंबर का प्रश्न है हमारा सूची वन को सूची दो से मिलान करिए तथा कूट के अनुसार उत्तर का चुनाव कीजिए तो एट्टी थ्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा एट्टी थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए का वन से बी का फोर से सी का टू से और डी का थ्री से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो 83 का राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है किसने कहा सामाजिक सम, सीखना सीखना है तो, आ, स, आ, सीखना है तो जो सीखने वाले को भूमिका निर्वाह करना सिखाता है 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम एच जॉनसन ने 85 नंबर का प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की तो एट्टी का 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राम मोहन राय ने 86 86 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 86 यानी कि कामट के अनुसार विकास के त्रिअस्त्री नियम के अनुसार नियम के से सही अनुक्रम कौन सा है एट्टी सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धार्मिक तार्किक एवं प्रत्यक्षवादी ठीक है एट्टी सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है तो एट्टी सेवन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाचा एट्टी एट नंबर का क्वेश्चन है गीता में वर्णित कर्म के तीन प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है तो एट्टी एट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानसिक कर्म एट्टी नाइन का प्रश्न है निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है तो एट्टी नाइन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य आज हमारा नब्बे नंबर का प्रश्न है नब्बे नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अगस्त कामटे अगस्त कामटे विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है नाइन्टी वन नंबर का क्वेश्चन है किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है तो नाइन्टी का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉबर्ट ई एल फैरिस ने ठीक है 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है पावर इलीट की अवधारणा किसने दी 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी डब्ल्यू मिल्स ने 93 नंबर का प्रश्न है भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनवरी 19 जनवरी 2015 में कब जनवरी 2015 में बाईस जनवरी दो हजार पंद्रह में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो है शुरुआत की गई थी ठीक है नाइनटी फोर नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगस्त कामटे के द्वारा नाइन्टी फाइव नंबर का प्रश्न है वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो नाइन्टी फाइव का राइट आंसर क्या होगा तो नाइनटी फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्ड मार्क्स नाइन्टी फाइव का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्ल मार्क्स 96 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने के लिखने वाले विख्यात कौन है तो 96 का राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माल्थस 97 नंबर का प्रश्न है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जीवन निहित समग्र समग्र ही गणिती अनुपात में बढ़ती है ऐसा किसने कहा है तो 97 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माल्थस ने 98 नंबर का प्रश्न है सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म की अवधारणा जो है अवधारणा की रचना किसने की थी तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हर्बर्ट ब्लूमर ने 99 का क्वेश्चन है किसने नगरवाद की चार विशेषताओं का उल्लेख किया है पहला है अस्थायित्व तो दूसरा है तीसरा है गुमनामी और चौथा दिया गया व्यक्तिवाद तो नाइनटी नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुइस वर्थ आज हमारा ये सौ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था हिंदू विवाह अधिनियम उन्नीस सौ पचपन में मनाई है तो किस चीज के मनाई है तो सौ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरयुक्त तो सभी का एक सौ एक नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया तो 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ई ए रास ने 102 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ इसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंबई विश्वविद्यालय में किसमें बंबई विश्वविद्यालय में, में। समाजशास्त्र का अध्ययन जो है यह बंबई विश्वविद्यालय में भारत में सबसे पहले जो है प्रारंभ हुआ था अगला प्रश्न है हमारा समाजसाध के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है एंड एसे लिखने वाले विख्यात कौन है 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे फिर से वही रिपीटेड uh, हो गया है इसको अपन आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा दो बार ये हो गया है ठीक है एक यस एग्जैक्टली एक्सो एक सौ फोर है किसने सामाजिक समूहों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है एक सौ चार का राइट आंसर क्या होगा तो एक सौ चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर वीर स्टेड। एक सौ पांच नंबर का प्रश्न है समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामी मानी जाती है और ना उनकी दासी आप उनकी भगनी मानी जाती है यह कथन किसका है तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रांस एवं बेकर का 106 नंबर का प्रश्न है एक वयस्क अपराधी एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है तो क्या है तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयु 107 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि समाजशास्त्र में प्रकारियात्मक परिप्रेक्ष का प्रारंभ करने वाला कौन थे तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इमाइल दुर्खीम एक सौ आठ नंबर का प्रश्न पूछा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तिहत्तरवें संविधान संशोधन में ठीक है 109 नंबर का प्रश्न है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इरावती करवे 110 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीय समूहों में वर्गीकृत किया तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी एच कूले ने एक नंबर का प्रश्न है समाजशास्त्र की पद्धति में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया तो 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीबर ने अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल टी हाउस अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है तो एक सौ तेरह का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिकूलम एक सौ चौदह नंबर का प्रश्न पूछा है पूछा है हमसे निर्जाति केंद्रवाद शब्द किसने संविष्ट किया किसने संविष्ट किया एक सौ चौदह का राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समनर्णय ठीक है सबनिर्णय अगला प्रश्न है जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं तब उसे क्या कहते हैं 116 का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिलोम विवाह अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन भूदान और ग्रामदान आंदोलन किस जो है किसने चलाया था किसने चलाया तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आचार्य विनोबा भावे ने 118 नंबर का प्रश्न है मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों के कौन विख्यात हैं तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राधा कमल मुखर्जी एक नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि अठारह में 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था यह पुस्तक किसने लिखी तो एक सौ उन्नीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने नंबर का प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है एक सौ बीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेस्टर मार्क एक सौ इक्कीस नंबर का प्रश्न है द दिर्जन इलिट नामक पुस्तक किसने लिखी है दि हरजन इलिट नामक पुस्तक किसने लिखी है यह पुस्तक लिखा है सच्चिदानंद ने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न है किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से प्रकार यात्रक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है तो 122 का राइट आंसर क्या होगा तो एक सौ बाईस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेविस ए कोजर ने अगला प्रश्न है निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारक कारण है तो एक सौ तेईस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरयुक्त तो सभी एक सौ चौबीस नंबर का प्रश्न है योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चातिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है तो एक सौ चौबीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानवतावाद और तर्क बुद्धि लास्ट है एक नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स मैं आपको इससे एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि आप लोगों के लिए जीआईसी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हमारे प्रैक्टिस हमारे चैनल पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा तो आप लोग उन प्रैक्टिस सेट को सभी सभी प्रैक्टिस सेट जितने भी प्रोवाइड किए जाएंगे उन सभी को सॉल्व करिएगा आपको यू पी की तरह ही आपको जी में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है और नेट मतलब यूजीसी भी आप लोगों के लिए स्पेशल जो जो किया जाएगा ठीक तो है, है? प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी थी या किसने दी थी तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर के मर्टन ने उम्मीद करता हूं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे और आपका सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट होगा ठीक है यदि आपका किसी कारणवश इस पेपर को आप यानी कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं यदि यह जो है आपकी आपका जो प्रिपरेशन था वो सही नहीं था और और भी कुछ रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से आप पेपर नहीं दे पाए होंगे या आपका फर्स्ट अटैम्प्ट रहा होगा आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है तो आप लोग हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए मैं आप लोगों को लगातार यूपी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट बीच बीच में प्रोवाइड कराता रहूँगा जिसमें इतना ज़्यादा रिविजन कर लीजिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका जो नेक्स्ट पी का एग्जाम हो उसमें सिंगल क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो जाए क्योंकि पेपर को देखने के बाद आप सबको पता ही चल गया होगा कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीटेड पूछा जाता है यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं तो आप लोगों को से मैं वादा करता हूँ कि नेक्स्ट यू पी के लिए मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन एकदम से रटा दूंगा ठीक है रटा दूंगा का सेंस ये है कि मतलब इतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको वो मतलब एग्ज़ाम में देखते ही उसका आंसर आ जाएगा ठीक है तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें ठीक है चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम